I don't want to be in your company. I don't want to be your friend. Okay. So did your program run now? Yeah, bande ne program bhi chala. So welcome back to this new vlog, guys. I hope you people are doing absolutely fine and this vlog will find you in good health. So last vlog में आपने देखा ही था कि मेरी winter vacation हो गई and फिर उसके बाद मैं घर में रहा, थोड़ा exam के लिए prepare किया. आज का vlog इसलिए special होने जा रहा है, मुझे 15 दिन पहले ना invitation मिली थी हमारे यहाँ एक saloon खुलने जा रहा है हमारे home town में और उसका inauguration आज है. आज 24th of Jan है. उन्हें बोला don't have your hair cut, don't trim your beard क्योंकि you are going to be your first customer और जो owner है shop के वो मेरे senior रह चुके हैं school में. So I respect my seniors a lot, तो मुझे मानना ही पड़ा. तो आज मैं वही जा रहा हूँ लेकिन अभी टाइम है. सो तब तक एक काम करते हैं, मैंने अभी बुक रीडिंग उतनी नहीं की है, लाइक 10-20 मिनट, तो अभी थोड़ा और पढ़ते हैं फिर निकलते हैं. फॉर दोज हु वांट नो कि मैं करंटली कौन सी बुक पढ़ रहा हूँ, सो लेट मी टेल यू, मैं ये बुक पढ़ रहा हूँ डू इपिक शिट बाय अंकुर वारिकू. और ये इतनी प्यारी बुक है, इतनी अच्छी है. फॉर दोज आई विल हाईली रिकमेंड, जो अपने आप में इनकलकेट करना चाहता है ना रीडिंग हैबिट, गो फॉर दिस बुक. एंड ऑथर सेज कि आप 3 पेज ही डेली पढ़ो और आप उन 3 पेजेस को ना डेली रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ये बोल रहा है ये क्रिकेट बुक जैसी, जो हम बुक क्रिकेट खेलते थे ना बचपन में, ये कुछ ऐसी है. आप कहीं पे भी खोलो, आप पढ़ के जाओ 3 पेजेस और आप देखो आप उसी दिन उन 3 चीज को रिलेट कर पाओगे अपनी जिंदगी में. फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में. दिस अ वंडरफुल बुक, गो फॉर इट गाइज, आई एम टेलिंग यू, इट कैन चेंज योर होल लाइफ. तो अभी मैं थोड़ी और रीडिंग करता हूँ इसकी, फिर आपसे मिलते हैं. आज मैंने सीखा, अगर आपको जिंदगी में कभी टफ डिसीजन लगे और वो आपको लेना पड़े तो अपने आप से पूछिए सबसे वर्स्ट क्या हो सकता है, सबसे बुरा क्या हो सकता है ये डिसीजन लेने के बाद. व्हाट, आस्क योरसेल्फ व्हाट कैन बी द वर्स्ट. दूसरी चीज, आंखें बंद करिए और इमेजिन करिए ये होते हुए. अब अगर ये हो गया तो अपने आप से ये पूछिए विल आई बी ओके सोशली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली एंड फाइनेंशियली. सो ये 5 चीजें पूछिए. अगर आपको लगे यस, गो फॉर दैट डिसीजन. सो दिस वॉज थिंग आई लर्न टूडे. अब मैं चेंज करता हूँ और फिर निकलते हैं. सो गाइज रेडी हो गया हूँ मैं, पहले मैं टाइम पे था, अब मैं लेट हो गया हूँ, अब सीधे ना सलून पे ही मिलते हैं. So, अभी मैं पहुँच गया, वो वहाँ पे है स्टाइल मी. लेट्स गो इनसाइड एंड एक्सप्लोर द सलून. और ये हमारे हाजिन टाउन का पहला सलून होने जा रहा है जो इतना सोफिस्टिकेटेड होगा और जहाँ पे हाइजीन नंबर 1 प्रायोरिटी होगी. सो लेट्स एक्सप्लोर एंड लेट्स गो. हेयर कट भी हो गया, बियर्ड ट्रिमिंग भी होगी एंड जो सर्विस देते हैं ना बहुत बढ़िया. पहला सलून होगा हमारे होम टाउन में जहाँ पे इतनी सारी फैसिलिटीज एंड सर्विसेज है. इफ़ यू लाइक दीज थिंग्स एंड यू वांट एक्सप्लोर देम, आपको 20% फ्लैट ऑफ मिलने वाला है पहले 2 महीने के लिए. सो इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 24th ऑफ जन अप टू 24th ऑफ मार्च एंड कम हियर एंड यू विल सी द हॉस्पिटैलिटी प्लस सर्विस एंड प्लस हाइजीन. हाइजीन इज नंबर 1 हियर. सो गाइस जो सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे ना बाबा शॉप में, वो तो मेरे फ्रेंड ने लिए थे, थैंक्स टू आके फर्स्ट. सेकंड थिंग, फिर इसने बोला नहीं चलो हमारे घर ही आ जाओ, तो यहाँ से मुझे बुक कलेक्ट करनी थी, ये रिवर्क, ये मैं ढूंढ रहा था एंड ऑनलाइन भी चेक किया लेकिन यहाँ लेट डिलीवरी दिखा रहा था क्योंकि भी स्टार्ट करना था फ्रॉम टुमारो और डे आफ्टर टुमारो. सो थैंक्स टू आकिब कि इसने मुझे ये प्रोवाइड करी ये बुक. एंड ऑल्सो आकिब इज हिमसेल्फ रीडिंग
currently this biography of Steve Jobs by William Isaacson. So इसके बारे में थोड़ा जानते हैं, आकिब से थोड़ा डीग करते हैं कि इसने क्या पढ़ा है और हम क्या सीख सकते हैं. आकिब जरा थोड़ा बताओ ना भाई इसके बारे में, थोड़ा बता. स्टीव जॉब्स बायोग्राफी सेक्शन. तो सिंपली ये स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी, स्टीव जॉब्स को तो सभी जानते होंगे. तो स्टीव जॉब्स ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है, तो उसी पे लिखी हुई है बुक जो वाल्टर इसाक्सन ने लिखी है. बहुत ही ज़बरदस्त राइटर है. और वाल्टर इसाक्सन की एक बात है, ये ज़्यादातर बायोग्राफीज ही लिखते हैं. और दूसरी बात ये चीज़ है कि ये सिंपल वाहिद एक बायोग्राफी है स्टीव जॉब्स की, जो मतलब क्या, जो मतलब इसने खुद लिखवाई है, मतलब इंसिस्ट यही से किया वाल्टर इसाक्सन को कि मुझ पर बायोग्राफी लिखो. और बहुत टाइम तक मतलब वाल्टर इसाक्सन ने माना भी नहीं था, कि वो बोल रहा था कि स्टीव जॉब्स अभी तक इसने कुछ हासिल ही नहीं किया, मैं क्यों लिखूँ इस पर बुक. तो फिर वो आपको पता चलेगा खुद ही, इसके इंट्रोडक्शन में खुद लिखा है कि ये कैसे लिखी गई है. और बाकी जो बाकी स्टीव जॉब्स पे बायोग्राफीज लिखी हुई है, तो वो उन राइटर्स ने लिखी है जो शायद स्टीव जॉब्स को जानते भी नहीं होंगे. सिंपली तो अगर आपको स्टीव जॉब्स के बारे में जानना है, उसकी लाइफ को चेक करना है, ताकि इंस्पायर हो हम उन चीज़ों से और कुछ हम अपना भी कुछ कर पाए, कुछ हासिल कर पाए. मतलब बायोग्राफी किस लिए पढ़ते हैं हम, ताकि हम जाने कि स्ट्रगल कैसे फेस किए बंदे ने और वो कहाँ पहुंचा. हाँ वही वही इसलिए पढ़ते. तो लाइफ कैसी रही उस बंदे की, सक्सेसफुल हुआ है लाइफ में, तो उसकी लाइफ. तो सिंपली ये सबसे बेस्ट बुक है जो मैंने अभी तक पढ़ी है. चलो ठीक है, हम भी देखेंगे. सो थैंक यू. अभी एक काम करते हैं, थोड़ी और बातें करता हूँ, लेकिन मैंने इससे ना काम के टाइम पे डिस्टर्ब किया. ही इज डूइंग समथिंग लाइक कोई प्रोग्राम लिख रहा है. सो आल्सो वन मोर मैसेज, चेक योर सर्कल, इज योर सर्कल इंस्पायरिंग यू? लाइक आकिब इज वेरी अहर्ड ऑफ मी, लाइक इन केस ऑफ बुक रीडिंग, इन केस ऑफ अदर थिंग्स, नॉट ओनली बिकॉज ऑफ एकेडमी. सो मैं इसलिए ये सब ये बुक्स के बारे में बोलता रहता हूँ, क्योंकि बुक्स हैव चेंज्ड वर्ल्ड. क्योंकि मुझे भी रियलाइज हो गया कि बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ पर्सन. और वन मोर थिंग, आप अपना ना सर्कल चेक करें कि आपके सर्कल में कौन है, फ्रेंड सर्कल में क्या वो आपको इंस्पायर करते हैं और कुछ करने के लिए, बुक पढ़ने के लिए या कुछ स्किल कोर्स करने के लिए या कोई स्किल डेवलप करने में. क्योंकि एट द एंड पीपल आर नोन बाय द कंपनी विच ही कीप्स, पीपल आर ऑल्सो नोन बाय द कंपनी विच ही अवॉइड्स. वन मोर मैं आकिब के सामने कहता हूँ, जिस दिन मुझे लगे ना कि आकिब इज लाइक गोइंग समवेयर एल्स एंड आई एम नॉट गेटिंग गुड थिंग्स फ्रॉम ही, लाइक ही इज आउट ऑफ द ट्रैक, आई विल डेफिनेटली आई डोंट वांट टू बी इन योर कंपनी, आई डोंट वांट टू बी योर फ्रेंड. सो डिड योर प्रोग्राम रन नाउ? बंदे ने प्रोग्राम भी चला दिया तब तक. यही चीज़ होता है ना कंपनी और कंपनी में, दैट्स व्हाई आई एम एग्जैजरेटिंग दिस थिंग, चूज योर सर्कल वाइजली. बस आज के व्लॉग में इतना ही रखते हैं, कुछ था भी नहीं ज़्यादा, बस यही बुक्स के बारे में ही था.